बता दें छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में सांसद प्रत्याशियों के साथ साथ महापौर पद के दावेदारों ने भी खूब सक्रियता दिखाई। दावेदारों का खास फोकस शहरी क्षेत्रों में रहा। अब नतीजे इसी साल प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में उनकी दावेदारों को पुख्ता करने का बड़ा आधार बनेंगे। इन सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निकायों की आने वाली है बारी। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका, 122 नगर पंचायत हैं। अधिकतर निकायों में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। रायपुर समेत 10 नगर निगमों में भी चुनाव प्रस्तावित हैं। बिरगांव, भिलाई, भिलाई चरोदा और रिसाली में 2025 में चुनाव होंगे। पिछली बार प्रदेश में निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था। प्रदेश की 14 नगर निगमों में भी कांग्रेस का ही कब्जा है। दिसंबर के अंत में प्रस्तावित नगरीय निकाय के चुनाव के लिए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक आचार संहिता लागू हो सकती है। यही वजह है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कांग्रेस भाजपा नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में टिकट से वंचित रहे दावेदारों को इस बार महापौर बनाया जा सकता है। ऐसे दावेदारों ने लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत की है। वैसे दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ चुनाव में उतरने को तैयार हैं। देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता अपने फ्यूचर को लेकर सभी तैयारियां करते हैं, काम करते हैं, और ये तो वक्त बताएगा कि उनकी तैयारियां, उनकी मेहनत का क्या परिणाम निकलता है। अभी तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लगभग 6 महीने बाद नगरीय निकाय के, उसके बाद फिर पंचायत के, फिर मंडियों के, सोसाइटियों के सारे चुनाव आएंगे, तो उसमें पार्टी अच्छी तरह डटकर मुकाबला करेगी। और इन 3-4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसको प्रदेश की जनता ने देख लिया है, शहर की जनता ने देख लिया है। आज शहर में जितनी समस्याएं हैं उतनी समस्याएं पहले कभी नहीं रही है। और आने वाले शहरी चुनाव में और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। पिछली बार की तरह इस बार के चुनाव में भी प्रदेश के साथ साथ स्थानीय मुद्दे हावी होंगे। इस बार भाजपा को इन निगमों में चुनाव जीतने की चुनौती होगी, तो वहीं कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रखने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि निकाय चुनाव में आखिरकार डंका किसका बजता है। रायपुर से INS 24 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।